हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? कमेंट्स करना ना भूलिएगा। आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। सारी जो टिप्स एंड ट्रिक्स है ना फ्रेंड्स, वो पर्सनल मैं यूज़ करती हूँ, वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो पसंद आए ना तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, इससे हमको बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले टिप्स की तरफ, जिसे देखते ही आपका दिल ना 100% बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के स्विच बोर्ड के जो ये इसे कनेक्टर बोल सकते हो, ये सभी के घरों में होते हैं। तो मेरे घर भी पड़ा हुआ था, मुझे ये दिखाई दिया तो मैंने सोचा चलिए इसका एक बहुत बढ़िया सा जुगाड़ करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो फ्रेंड्स, आप ले लीजिए अपनी मोबाइल। और फ्रेंड्स, हम जब भी किचन में काम करते हैं ना, हमें मोबाइल देखना रहता है या फिर कुछ भी काम रहता है मोबाइल में, हम इधर उधर रख देते हैं। तो आज के बाद ना आप इसी कनेक्टर जो ये है ना, इसी में अपने मोबाइल को रखिएगा और देखिएगा आपके दो तीन काम एक साथ हो जाएंगे। एक तो आपका मोबाइल गंदा नहीं होगा, मोबाइल में कुछ गिरेगा नहीं, और आप जहाँ मन करे इसे स्टैंड कर दीजिए और अपना काम भी करते रहिए, मोबाइल में वीडियो भी देखते रहिए, आपका काम भी हो जाएगा, मोबाइल भी गंदा नहीं होगा। तो ये टिप्स आपको कैसी लगी कमेंट्स करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, मुझे तो ये वाला जुगाड़ ना बहुत ज़्यादा पसंद है। हम क्यों बाहर से महंगे महंगे मोबाइल होल्डर खरीद के लाएं, जब हमें घर में ही फ्री में ये चीज़ें मिल जाती हैं, तो पैसे क्यों खर्च करना है ना, बहुत ही अमेजिंग जुगाड़। तो आज के बाद आप भी इस टिप्स को ज़रूर यूज़ करिएगा। मैं तो इसे यूज़ करती हूँ जब से मुझे ये मिला है, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है। तो बताइए कैसी लगी आपको ये टिप्स, पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि सबके लिए ये वाला टिप्स यूज़फुल हो सके। तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत पसंद है, और इससे मैं अपने किचन का काम भी करती रहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे टिप्स की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। फ्रेंड्स, धूप बत्ती तो हम अपने घरों में यूज़ करते ही हैं पूजा पाठ में, क्योंकि इसकी जो खुशबू है ना वो बहुत अच्छी होती है। घर में जो नेगेटिविटी होती है उसे ये बाहर करती है, और घर में एक पॉजिटिव वातावरण हमारे फैलाती है। तो इसे तो हम या तो सीधा जलाते हैं, तो आप देखते होंगे ठीक से जलता नहीं है और आधा जल के बुझ जाता है। तो आज आप क्या करिए ना, इसका शेप बदल दीजिए। आप इसे एक छोटा सा गोल सा कटोरी के शेप में कर दीजिए। जितना आपको धूप बत्ती जलाना है ना, उतना पोर्शन आप लेके, और गीला तो ये रहता ही है, आप इसे छोटी सी इस तरीके से कटोरी का शेप दे दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स, आप इसे छोटे से दीपक में रख लीजिए, जो भी दीपक आप यूज़ करेंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, इस पर रख देना है हमें छोटा सा कपूर। और इस कपूर को रखने के बाद जब आप इसे जलाएंगे ना फ्रेंड्स, तो जो धूप बत्ती आपकी जलती नहीं थी, आधा जल के ख़त्म हो जाती थी, और जो कपूर आप जलाते थे अब कुछ सेकंड्स बाद कपूर जल के ख़त्म हो जाता था, वही आपका जो ये दिया बत्ती है ना, ये बहुत मतलब 10 से 15 मिनट 20 मिनट तक आराम से जलता है, और कपूर भी काफ़ी लंबे समय तक 10 मिनट तक जलता है, और इतनी अच्छी खुशबू आती है ना पूरे घर में, एकदम बहुत ही अच्छा पॉजिटिव सा वातावरण हो जाता है। तो ये वाली टिप्स आप ज़रूर ट्राई करिएगा धूप बत्ती का, आप खुद ही देखोगे कि कितना लंबा समय तक हमारा धूप बत्ती जलता है। और साथ में फ्रेंड्स, धूप बत्ती के कपूर जो है ना, वो भी बहुत लंबे समय तक जलता है। नहीं तो आप उसे ऐसे जलाओगे ना, तो तुरंत कुछ सेकंड पे जल के ये ख़त्म हो जाता है। तो मुझे तो ये वाली टिप्स बहुत पसंद है और मैं इसी को यूज़ करती हूँ। आपको कैसी लगी कमेंट्स करना ना भूलिएगा। तो इसी तरीके की अमेजिंग यूज़फुल वीडियो मैं अपने चैनल पे लाती रहती हूँ। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ, जो कि फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। फ्रेंड्स, क्या होता है, हम सभी लेडीज़ जो है ना क्रॉकरी के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक है। तो जो क्रॉकरीज होती है ना, बहुत सारी तो हम यूज़ कर नहीं पाते हैं, स्पेशली जब गेस्ट वगैरह या कोई फेस्टिवल आता है तभी यूज़ करते हैं। तो उसमें से ना एक अलग सी गंध आती है, तो उस गंध को रिमूव करने के लिए मैं आपके साथ एक बहुत अच्छा जुगाड़ शेयर कर रही हूँ, हैक शेयर कर रही हूँ, जो आपके बहुत काम आएगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, गैस जला लेना है, गैस पर रख लेना है कोई भी तवा, और तवे को हमें कुछ सेकंड्स के लिए गर्म करना है। ज़्यादा गर्म नहीं करना है फ्रेंड्स, इतना गर्म करना है कि हमारा हाथ मतलब टच कर सके। तो उतना गर्म करने के बाद आपको क्या करना है, गैस को बंद कर देना है, और जो भी कप आपको यूज़ करने हैं उसे आप इस तरीके से उल्टा करके रख दीजिए। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, जो जो हीट होती है ना, उससे जो हमारे कप में जो बैड स्मेल आती है वो चली जाती है। और उसके बाद आप इन कपों को यूज़ करिए, बहुत अच्छे से कप हमारे अच्छे यूज़ हो जाते हैं। तो कैसी लगी टिप्स ज़रूर बताइएगा। अगली टिप्स है फ्रेंड्स, मेकअप को लेके। फ्रेंड्स, लेडीज़ हैं तो मेकअप तो करेंगी ही, और मेकअप करना हम सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चाहे कितना भी अच्छा मेकअप प्रोडक्ट हो फ्रेंड्स, उसे हमें साफ़ तो करना ही पड़ता है, और उसके लिए हम महंगे से महंगा
मेकअप रिमूवर खरीदते हैं, तो हम उन चीज़ों पे क्यों पैसे वेस्ट करें जब हमारा घर में ही फ्री में सारे काम हो जाएं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आप कैसा भी मेकअप कर रहे हो और उसे घर में आप इजीली कैसे हटा सकते हो। आप देख सकते हो मैं आपको सब कुछ लगा के दिखा रही हूँ और ये सब बहुत अच्छे ब्रांड के हैं। और मैंने लिपस्टिक लगा लिया, आई शेडो भी आपको दिखा दिया और मैंने आईब्रो पेंसिल भी लगा लिया है। अब फ्रेंड्स लिपस्टिक सब कुछ तो हमने लगा लिया, अब हम इन्हें रिमूव कैसे करेंगे। तो बस छोटा सा ये हैक है, आपको या तो ले लेना है वैसलीन या तो ले लेना है कोकोनट ऑयल और इस तरीके से आपको इसको करते जाना है। और करने के बाद आप देखोगे कुछ सेकेंड्स में आपका जो पूरा मेकअप है वो रिमूव हो जाएगा। और इससे दो फायदे हैं फ्रेंड्स, एक तो इससे क्या होगा ना, ऑयल से या वैसलीन से आपकी जो स्किन है वो मॉइस्ट भी रहेगी, कोई नुकसान भी नहीं होगा और आपका काम अच्छे से फ्री में हो जाएगा। आपको अलग से मेकअप रिमूवर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पैसे की होगी बचत। और उसके बाद अगर आपके कॉम्पैक्ट में फेस पाउडर वगैरह है तो आप कॉटन से फेस पाउडर जो थोड़ा सा पाउडर लेकर आप अपने पूरे पैलेट को भी क्लीन कर सकते हो। तो है ना बहुत ही अच्छा जुगाड़, कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम अपने बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टिप्स की तरफ, जिसे देख के ना आपको दिल खुश हो जाएगा और आपको ना बार बार करने का मन करेगा। तो फ्रेंड्स ये है छोटा वाला वाइपर जो मोस्टली हम सबके किचन में होता है, तो आज इसका मैं बहुत अच्छा यूज़ आपको बताऊंगी। मोस्टली तो क्या होता है इसको हम वाइप करने के लिए ही यूज़ करते हैं, बट आज हम इसका क्या यूज़ करेंगे वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है, एक ले लेना है सॉक्स, ठीक है, कोई भी आप सॉक्स ले लीजिए और सॉक्स को पहना दीजिए इस तरीके से, मोजा मतलब सॉरी वाइपर को पहना दीजिए आप इस तरीके से, कोई भी पुराना सॉक्स बहुत अच्छे से लपेट लीजिए। ये मेरा सॉक्स है काफ़ी ढीला था, मैं इसे अच्छे से लपेट ले रही हूँ। और फ्रेंड्स ये वाला ना आप बड़े वाइपर के साथ भी कर सकते हो, बट मुझे ना छोटे वाइपर के साथ ही ज़्यादा अच्छा लगता है करना। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, रबर से इसको अच्छी तरीके से आप लगा दीजिए, ठीक है। और रबर लगाने के बाद आप देखोगे कि हमारा जो क्लीनिंग है वो कितने अच्छे से होता है। फ्रेंड्स अगर आपको बैठ के पोंछा लगाने में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप इस तरीके से वाइपर से ना बहुत अच्छे से फटाफट से पोंछा लगा सकते हो, बहुत अच्छे से इससे लग भी जाता है। बस थोड़ा सा गीला कर लीजिए और इसके बाद आपको जहाँ पोंछना है आप फटाफट से इससे पोंछ सकते हैं। तो ये टिप्स कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो इसी तरीके की अमेजिंग वीडियो मैं अपने चैनल पर लाती रहती हूँ। फ्रेंड्स आप बड़े वाले वाइपर का भी इस्तेमाल कर सकते हो इस तरीके से। तो आज की सारी टिप्स आपको कैसी लगी आप देख सकते हो, बहुत अच्छे से क्लीन हो जा रहा है, कहीं भी ऊपर नीचे आप इससे क्लीन कर सकते हो। फिलहाल तो मैं किचन के क्लीनिंग के लिए इसे यूज़ कर रही हूँ, आप अगर फर्श के लिए भी यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो बड़े वाले वाइपर का। तो इस तरीके से मेरी जो क्लीनिंग है वो आसान हो जाती है एक छोटे से वाइपर के साथ। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। मिलेंगे कल नए वीडियो में, तब तक अपना अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।